हेलो दोस्तों, जनरल साइंस के कुछ नए क्वेश्चन आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पहले के वीडियो में भी हमने कई क्वेश्चन का जिक्र किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। उनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उनको आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक ना। आइए हम पहले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सी गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, चिप्स की पैकेट में देखते हैं गैस भरी होती है ना, तो वो गैस किस लिए भरी होती है वो हम आपको बता देते हैं, ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो, उसका ऑक्सीकरण ना हो, ताकि वो चिप्स खराब ना हो, लंबे समय तक चल सके। तो उसमें आपको बताना है, ऐसे कई पदार्थ होते हैं जिसमें गैसें भरी होती हैं, तो आपको बताना है कौन सी गैस जो है उसमें भरी होती है। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, O2 है, Cl2 है, N2 है और H2 है। आपको बताना है कि ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन, इसमें से कौन सी गैस भरी जाती है। तो सी नंबर बिल्कुल सही है, सी जो होता है मतलब नाइट्रोजन गैस जो होती है वो पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकती है, तो सी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है। आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन सी राशि ऐसी है जिसकी कोई इकाई नहीं है, वो आपको बताना है। पहला है फोकल लेंथ, मतलब फोकल लंबाई जिसे फोकस दूरी कहा जाता है। दूसरा है निर्वाह शक्ति, निर्वाह शक्ति। तीसरा क्या है, लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस। और चौथा जो है आवर्धन, आवर्धन को एम से डिनोट किया जाता है, इंग्लिश में इसको मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। तो जो उत्तर आपका है जिसकी कोई इकाई नहीं है, मतलब कोई मात्रक नहीं, मात्रकहीन राशि कौन सी है, वो है आवर्धन। इसको एम से डिनोट किया जाता है, एम को मैग्नीफिकेशन, चूंकि इंग्लिश में आवर्धन को मैग्नीफिकेशन कहा जाता है इसलिए एम से डिनोट किया जाता है। और ये क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहा जाता है आवर्धन। इसीलिए लंबाई और लंबाई दोनों कट जाता है ना, लंबाई ऊपर भी है, लंबाई का मात्रक, तो लंबाई का मात्रक मीटर ऊपर हो जाएगा, मीटर नीचे भी हो जाएगा, इससे कट जाता है, इसीलिए क्या होता है इसका कोई मात्रक नहीं रह जाता, तो ये मात्रकहीन राशि है। आइए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, मनुष्य में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट होता है। बताना है कि किस प्रकार का महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट होता है। तो हम आपको बता देते हैं कि महिलाओं में जो यौन गुणसूत्रों का सेट होता है वो होता है यक्स यक्स प्रकार का। कैसा होता है, यक्स 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 प्रकार का। जबकि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन में देखिए यक्स वाई भी दिया गया है, वाई वाई यक्स दिया गया, वाई वाई दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सही ऑप्शन है वो कौन सा वाला है, ए वाला है, यक्स यक्स प्रकार का। महिलाओं में यक्स यक्स प्रकार का गुणसूत्र जो होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, वो यौन गुणसूत्र कहा जाता है। इससे ही पता चलता है, मतलब जान लीजिए कि अब आगे की हम बात कर लें थोड़ी सी। पुरुष जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होती है, चाहे 46 बोला जाए चाहे 23 जोड़े बोला जाए, 23 जोड़े गुणसूत्रों की संख्या, चाहे आपसे बोला जाए 46 या फिर 23 जोड़े, 23 दुना 46 होता ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, महिलाओं में जो यौन गुणसूत्र कहा जाता है वो कैसा होता है, यक्स यक्स गुणसूत्र होता है, जबकि पुरुषों में जो यौन गुणसूत्र होता है वो कैसा होता है, वो यक्स वाई गुणसूत्र होता है। ये ध्यान रखिएगा, पुरुषों के लिए क्या होता है, यक्स वाई होता है, ये मेल में होता है और ये फीमेल में होता है। अब आगे की एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जो आगे की पीढ़ी आती है, संतान आती है, उसके लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है, पुरुष होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, महिलाओं के ऊपर अत्याचार जरूर किया जाता है लेकिन उसके लिए उत्तरदायी कौन होते हैं, मेन होते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, आदमी के गुणसूत्र से ही ये निर्धारित होता है कि अगली पीढ़ी में आने वाली संतान जो है वो पुरुष हो, मतलब मेल होगी या फीमेल होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं। ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है मज़ेदार क्वेश्चन, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। देखिए, किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, आपको बताना है। स्क्लेरेंकाइमा, पैरेंकाइमा, ट्रैकेट्स या फिर कॉलेनकाइमा, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है आपको बताना होगा। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, ये ध्यान रखिएगा, बी वाला सही उत्तर है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? आपको बताना है परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो इसमें जो ऑप्शन है वो क्या क्या है, जेसी बोस, हिडेकी युकावा, जे जे थॉम्सन, एस एन बोस। आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो हम आपको बता देते हैं, सेकंड नंबर इसका बिल्कुल सही होगा। सेकंड नंबर में जो है उनका नाम क्या है, हिडेकी युकावा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया, शीतलन मतलब जान लीजिए कूलिंग की बात होती है, कि प्रक्रिया तब धीमी होती है जब, आपको बताना है कि वायुमंडल के ताप पर क्या परिवर्तन होता है जिसकी वजह से जो वाष्पन के कारण जो ठंडक उत्पन्न होती है उसकी प्रक्रिया धीमी कब होगी, ये बताना है आपको। तो देखिए क्या है, जब वाष्पन का ताप क्या हो, जब वायुमंडल का ताप बढ़ता है या फिर बढ़ता, और क्या है, वायु के बहने की चाल भी अधिक होती। दो बातें हैं, बढ़ता है वायु के बहने की चाल जो है वो कम हो जाए, बढ़ता है वायु के बहने की चाल कम हो जाए, सॉरी घटता है वायु के बहने की चाल कम हो जाए, और घटता है वायु के बहने की चाल अधिक हो जाए। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा वाला सही है। तो हम आपको बताते हैं इन चारों ऑप्शन में से जो आपका सही उत्तर है वो सी वाला है। सी वाला ध्यान दीजिएगा, सी वाला ही उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा, कि वायुमंडल का जो ताप होता है घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। तो देखिए अक्सर आप लोग ये सुनते हैं गर्मी में उमस बहुत हो रही है बोला जाता है, तो उसका कारण यही है, जैसे वाष्पीकरण होता रहता है तब तो ठंडक होती है, लेकिन अब उसके कारण मतलब उसी की वजह से और ज़्यादा गर्मी होने लग जाए, इसका मतलब क्या है कि वायु के बहने की चाल कम हो जाए। जब वायु कम चलने लग जाती है और टेम्परेचर घट जाता है तब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। आगे देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है वो किस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, शैवाल जो है वो किस समूह में आते हैं, तो जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन देखिए क्या क्या है, जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा या ब्रायोफाइटा। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है, कि जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फिर ब्रायोफाइटा। इन चारों ऑप्शन में से जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा कि थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है और इसी में क्या होता है, शैवाल जो है इसी के अंतर्गत, आप पढ़ेंगे शैवाल के बारे में भी, ये ध्यान रखिएगा। थैलोफाइटा जो है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, थैलोफाइटर फाइटा पे आप निशान लगा लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित होता है, ये आपको बताना है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जो किस में बदलता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ठोस गैस में सीधे परिवर्तित हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक सिंपल क्वेश्चन भी है। तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें सीधे सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको बताते हैं ऑप्शन, पहले देख लिया जाए क्या क्या है। ऑप्शन है वाष्पीकरण, हिमीकरण, संघनन और ऊर्ध्वपातन। तो ध्यान दीजिए, वाष्पीकरण में क्या होता है, द्रव का वाष्प में बदलना, और हिमीकरण में क्या होता है, हिमीकरण में जानते हैं द्रव का ठोस में बदलना, संघनन में क्या होता है, गैस का द्रव में बदलना, और ऊर्ध्वपातन जो होता है, ऊर्ध्वपातन जो है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, सीधे जो है ठोस जो है वो गैस में बदल जाता है, ठीक है ना, सीधे किस में बदल जाता है, ठोस जो होता है वो गैस में बदलता है। तो आपका डी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। ये ध्यान रखिएगा, कई ठोस ऐसे होते हैं, जैसे आपके सामने अक्सर ये रहता है कपूर, पूजा करते होंगे, कपूर जो है वो सीधे किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। ऐसे कई भी हैं, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड भी होता है इसी टाइप का एग्जांपल है, तो ध्यान रखिएगा। और एक बात, ऊर्ध्वपातन को क्या बोला जाता है, सबलीमेशन कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सबलीमेशन। आइए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है, ये बताना है आपको। तो ध्यान दीजिए, परमाणु त्रिज्या की बात कर रहे हैं और ये तत्व की बात कर रहे हैं, ये पीरियोडिक टेबल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक टेबल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हुए। तो इसमें ध्यान दीजिए कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा है इन चारों में से। तो आपको बता देते हैं, पहले पीरियोडिक टेबल अगर आप देखे होंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, लेफ्ट लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट, जैसे अगर मान लीजिए आपका पीरियोडिक टेबल, हम थोड़ा सा एक रफ डायग्राम बना के बता दें, ये पीरियोडिक टेबल है, तो अगर आप इधर से इधर जाएंगे तो क्या होता है,
कम होता है, मतलब एटॉमिक रेडियस घटता है, और अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। ये ध्यान रखिएगा, एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, बढ़ता है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन जो है उसमें लिथियम, नाइट्रोजन, बेरिलियम और कार्बन दिया गया है, तो हम आपको बताते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे ना, तो लिथियम Li, उसके बाद जो है उससे कम जो होगा वो बेरिलियम का होगा, Be, क्योंकि क्या होता है उसके राइट साइड में होगा, और उसके बाद क्या होता है, बोरान होता है, उसके बाद फिर कार्बन होता है, उसके बाद फिर नाइट्रोजन होता है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन होता है, फिर उसके बाद फिर फ्लोरीन होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इन सब में अगर देखा जाए तो इन सब में सबसे जो बड़ी त्रिज्या होगी, एटॉमिक रेडियस जो होगा, वो लिथियम का होगा, उसके बाद किसका होगा, बेरिलियम का होगा, उसके बाद बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन का होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो क्वेश्चन के हिसाब से सही उत्तर होगा वो होगा लिथियम, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लिथियम का एटॉमिक रेडियस जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें। वह अम्ल कौन है जो चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, वो उस एसिड का नाम बताना है जो चींटी के डंक में पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या है, ऑप्शन दिया गया है, ऑक्जैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जैलिक एसिड दो बार लिख दिया गया, ऑक्सैलिक, ऑक्जैलिक दो बार लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा इस पर, और इसके बाद साइट्रिक एसिड, ठीक है ना। तो इसमें जो आपको बता देते हैं कि चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है, तो जो है वो ऑप्शन में थोड़ी सी गलती हो गई है इसको लिखने में, इसका जो ऑप्शन होना था ऑक्जैलिक, चूँकि टमाटर में पाया जाता है, ऑक्जैलिक एसिड किस में पाया जाता है, ये जो पाया जाता है ये टमाटर में पाया जाता है, ठीक है ना, टमाटर, लेकिन हमारा जो ऑप्शन होना था उसमें थोड़ी सी गलती हो गई है। वो आपको बता दें पहले कि क्या होता है, चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, तो चींटी के डंक में आपका पाया जाता है फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड जो है वो नोट कर लीजिएगा, फार्मिक एसिड जिसे फार्मिक अम्ल बोला जाता है, इसका एक नाम और है, इसको बोला जाता है मेथेनोइक एसिड। फार्मिक अम्ल जो होता है चींटी के डंक में पाया जाता है, इसको मेथेनोइक एसिड कहा जाता है, मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, नोट करिएगा। और इसका जो सूत्र होता है वो हम आपको बता देते हैं, मेथेनोइक एसिड का जो सूत्र होता है वो भी हम आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। मेथेनोइक एसिड का जो सूत्र होता है वो होता है आपका, मेथेनोइक एसिड का सूत्र होता है CH होता है, HCOOH होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये किसका सूत्र है, ये फार्मिक एसिड समझ लीजिए, चाहे मेथेनोइक एसिड समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर यही कार्बन दो होता तो एथेनोइक एसिड कहा जाता है, तीन होता है तब प्रोपेनोइक एसिड कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन है तो इसके लिए क्या होगा, मेथेनोइक, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्सेप्ट, ऐसे नाम होता है कार्बन की संख्या के हिसाब से। तो चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, वो कौन सा होता है, वो फार्मिक एसिड होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन लिखते टाइम पर थोड़ी सी गलती हो गई थी। और एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, फार्मिक एसिड को मेथेनोइक एसिड कहा जाता है, इसका सूत्र भी आपको हमने बता दिया क्या होता है, इसका सूत्र जो होता है CH3COOH होता है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर गलती किस में होती है, अक्सर गलती होती है इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें नाम अलग अलग कई तरह के नाम होते हैं, केमिस्ट्री में अक्सर कन्फ्यूजन इसी कारण से आता है, क्योंकि एक एक कंपाउंड के कहीं रासायनिक नाम है तो कहीं आपका IUPAC नेम के हिसाब से बोल देते हैं, लैटिस नेम भी कहीं कहीं होता है, ठीक है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे जो है बोला गया है बाय अंतरिक्ष में, नहीं नहीं इसके पहले एक क्वेश्चन जो है वो है, यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला मुख्य कारक क्या है, ये बताना है आपको, यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला मुख्य कारक कौन है। तो पहले तो हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं, माइकोबैक्टीरियम, एस्परजीलियस और रेबडो वायरस है, उसके बाद अगला ऑप्शन है HIV, तो इन चारों में से कौन सा सही है यार आपको बताना है। तो ये चाहे TB कह लीजिए, TB में भी यही है, उसके बाद फिर तपेदिक, ठीक है ना। तो सब के लिए क्या है, माइकोबैक्टीरियम आपका उत्तर जो होगा वो सही होगा, माइकोबैक्टीरियम उत्तर बिल्कुल सही होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। बाय अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, ध्यान देना होगा कि
बाय अंतरिक्ष से, जो जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो आकाश का रंग कैसा दिखता है, क्योंकि हम लोग को तो नीला दिखता है, लेकिन जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको सफ़ेद दिखता है कि काला दिखता है, नीला दिखता है कि लाल दिखता है। तो हम आपको बता देते हैं उनको कैसा दिखता है, उनको आकाश का रंग काला दिखाई देता है। उसका भी मुख्य कारण ये है कि वहाँ पर क्या होता है ना, क्योंकि क्योंकि काला रंग क्यों होता है, काला रंग जो होता है वो हर एक, यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, कई घटनाएं होती हैं उसी कारण से हमको अलग अलग रंग दिखता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता, अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता, इसीलिए क्या होता है वो काला दिखाई देता है, ठीक है ना। आगे देखिए, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है ये आपको बताना है। तो जो ऑप्शन है आपका उस पर ध्यान देते हैं, पहले पैरों के आगे, उसके पैरों के आगे, उसके पैरों के पीछे, शरीर के मध्य में, या शरीर की बाईं ओर। तो ध्यान दीजिएगा कि दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है ये आपको बताना है। तो आपका सी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, शरीर के मध्य में, शरीर के मध्य में होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए क्या है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है, ये तो हो गया मान लीजिए दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम, ब्लड कैंसर जिसको बोला जाता है उसका दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है। ब्लड कैंसर का जो दूसरा नाम है वो आपको बता देते हैं, पहले ऑप्शन देख लिया जाए, एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया, ल्यूकोपीनिया या फिर ल्यूकीमिया, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। ब्लड कैंसर का जो नाम है, दूसरा नाम क्या है वो बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी वाला ये बिल्कुल सही होगा। ल्यूकीमिया जो होता है ये ब्लड कैंसर का दूसरा नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है, सही उत्तर बताना है। जल एक चक्रीय संसाधन है, जल एक जैविक संसाधन है, जल की केवल एक ही अवस्था होती है, जल एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। आपको बताना है कि कौन सा सही है, क्योंकि तीन गलत है इसमें सिर्फ एक ही सही है। तो हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो सही उत्तर होगा वो आपका है ए वाला, ठीक है ना। जल कैसा होता है, एक चक्रीय संसाधन होता है, क्योंकि आप जानते हैं जल एक साइकिल चलती है ना वाटर की, जैसे पता लगता है समुद्र में जल है उसका वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होता है तो बादल इकट्ठा होते हैं, उसके बाद बारिश होती है, बारिश से फिर ये प्रोसेस काफ़ी लंबा है, ऐसे चक्रीय होता है। तो इसलिए जो पहला ऑप्शन है वो सही है। दूसरा देखिए, जैसे बोल दिया गया जल एक जैविक संसाधन है, तो जैविक नहीं, जल एक अजैविक संसाधन होता है। अगला देखिए क्या है, जल की केवल एक ही अवस्था होती है, तो हम जानते हैं तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। और जल एक जो बोला गया गैर नवीकरणीय संसाधन है, तो बिल्कुल नहीं, ये नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन कैसा होता है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बोला गया, किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटकों का नाम बताना है। अपघटक जो डीकम्पोज करते हैं, डीकम्पोजिशन का वर्क जिनका है वो आपको बताना है। किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटकों के उदाहरण में कौन है, तो जेलीफिश पहला ऑप्शन जो दिया गया, जेलीफिश, कशाभिका, पादप प्लवक या फिर प्राणी प्लवक, आपको बताना है इसमें से कौन सही है चारों ऑप्शन में से। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो बी वाला है ये बिल्कुल सही है, ये जो है क्या होते हैं तालाब के तलों में कशाभिका, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटकों के उदाहरण है, क्योंकि डीकम्पोजिशन कहीं ना कहीं उनकी आवश्यकता होती है डीकम्पोजिशन की, ठीक है। और भी ऐसे देखिए जो आपके दिए गए हैं, जैसे आपका दिया गया है कशाभिका, तो मान लीजिए समझ गए होंगे। प्राणी प्लवक जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, पादप प्लवक को खाते हैं, ठीक है, और सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, मतलब उनका डीकम्पोजिशन का कार्य होता है, कुल मिला के इतना जान लीजिएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये जो कशाभिका है, कशाभिका, कशाभिका जो आपका उत्तर हमने बताया ये सही उत्तर है, तो कशाभिका जो है वो किस में आता है ये ध्यान रखना होगा, कशाभिका इसका उत्तर सही है ना, कशाभिका जो है वो प्रोटोजोआ का एक उदाहरण है, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रोटो जोवा का एक उदाहरण, ठीक है ना। धन्यवाद। ऐसे ही और भी हम आपको वीडियो देते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, जनरल साइंस के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको देते रहेंगे। रोज़ आपको शाम को ऐसा एक वीडियो मिल जाया करेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए और आगे के वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। धन्यवाद।